औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ चौधरी अख्तर याद, गोल्डन बोरिंग एंड पंप उसकी जानब से। तो हम नाजरीन आपके लिए हर दफ़ा कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है और जो हमारी ज़रूरियात हैं उसके मुतलक हम वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो का मकसद जो है हमारा कोई पैसा कमाना या कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं होता कि जिसे वीडियो बना के कोई सरमाया हासिल किया जाए। हमारा मकसद सिर्फ है कि मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इल्म दिया है उसको तकसीम किया जाए ताकि अहले पाकिस्तान को मोटर पंप्स ख़रीदने में, परचेजिंग में या जो उनकी ज़रूरियात है उसमें आसानी हो सके। तो हमने गोल्डन बोरिंग एंड पंप उस पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जितनी वीडियोज़ भी डालते हैं उसमें मुकम्मल तफसील होती है, क्योंकि बाज़ार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बोगस वीडियो बनाते हैं, उनको इल्म नहीं होता और इल्म ना होने की वजह से वो गलत मालूमात जो है वो चैनल पे दे रहे होते हैं सिर्फ अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैनल है गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस, उसकी आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शेयर भी किया करें और बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी दबाया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिलेगी। आज हम जो आपको चीज़ें बताएंगे, जैसा कि आपको पता है कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हमें पंप्स की ज़रूरत पड़ती है। ये पंप्स की ज़रूरत हमें तीन चार पॉइंट पे पड़ती है। नंबर जी होता है कि बेसमेंट बनी होती हैं एल लाहौर के लिए या हमारे जितने भी बिग सिटी हैं, कैपिटल सिटी हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है या कोई भी हमारे जितने शहर हैं या कहीं भी बेसमेंट बनी होती है। बारिश का जब प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारी बेसमेंटें भर जाती हैं और उसका पानी जो निकालना होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। उसके अलावा कुछ सेफ्टी टैंक नीचे बने होते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको सीवेज पंप के नाम से हम चाहते हैं। कुछ हमारे पास वाटर प्रूफ ऐसे पंप होते हैं कि हमने छत पे टंकी रखी होती है, नीचे भी वाटर टैंक बना होता है, जैसा कि DHA और बैरिया वगैरह या ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है, वाटर टैंक जो हमारा स्टॉक के लिए होता है कि नीचे टैंक होता है, सोसाइटी का पानी उस टैंक में जाता है और उस टैंक से पानी जो है आपने छत पर ले जाना होता है। आज हम उस पर भी तफसील से बात करेंगे कि उसके लिए पंप कौन सा दरकार होता है और कैसा पंप वहाँ लगाना चाहिए और पंप्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी होना ज़रूरी है कि वहाँ किस किस्म का पंप जो है वो लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साफ पानी के पंप की कि हमारे पास जो साफ पंप है पानी का वो हमारे पास ये पंप है, ये आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत पंप है। ये हम अगर 50-60 फुट तक नीचे टैंक से डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी के ऊपर भी आपकी टैंकी है तो उसके लिए हमारा ये पंप काम करेगा। अच्छा, इसमें क्या है कि इसके साथ एक तो 15 से 20 फुट जो है वो तार भी साथ होती है, वाटरप्रूफ मुकम्मल 100% है ये और इसके साथ जो है तमाम जोड़ जो इसके लगे हैं इलेक्ट्रिकल वो भी सारे वाटरप्रूफ है और ये तार भी बड़ी आला क्वालिटी की इसके साथ होती है। 15 से 20 फुट 25 फुट तक इसकी तार की मुख्तलिफ कंपनियों की लेंथ होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो होता है एक ये ऑटोमेटिक स्विच होता है, वो भी हमें आपको आज दिखाऊँगा। ये होता है फ्लोट स्विच इसे कहते हैं हम। और इसका काम क्या होता है आम आदमी को, लोगों को नहीं पता होता, मगर आज हम इसका बताएंगे कि इस फ्लोट स्विच का क्या काम है। ये बेसिकल एक वाटर लेवल जो है ना, फ्लोट स्विच जिसे हम कहते हैं फ्लोट स्विच वाटर लेवल के नाम से, कि जब आपकी टंकी के अंदर जब आप मोटर रखते हैं तो ऑन ऑफ इसे स्विच लगा देंगे, ऑन ऑफ तो हो जाएगी, मगर हमने करना क्या होता है कि खुदा न करे अगर वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके अंदर पानी ख़त्म हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर ये मोटर खाली चलेगी, पानी के बगैर चलेगी, क्योंकि ये मोटर गर्म हो जाएगी। हमारी आम मोटर जितनी ओपन लगती है उनमें एक हवा के लिए पंखा होता है और पंखे की वजह से जब वो चलता है वो एयर देता है उनको और वो मोटर को ठंडा रखता है, गर्म नहीं होने देता, इसलिए हमारी मोटर जलती नहीं है। और इस पंप जो है ये हमारे वाटरप्रूफ जितने आप पंप देख रहे हैं इनके अंदर हवा वाला पंखा नहीं होता, क्योंकि इस पंप ने पानी के अंदर चलना होता है और पानी के अंदर चलने की वजह से इसके लिए लाजम है कि ये पंप जितना भी है ये मोटर मुकम्मल जो है इसकी पानी के अंदर डूबी रहनी चाहिए। अगर ये मोटर नहीं डूबेगी तो ये गर्म हो गए, मोटर ख़राब हो सकती है। उसके अलावा इसमें बड़ी ज़बरदस्त, जैसे आप ये देख रहे हैं ये जाली लगी हुई है, इसके अंदर कोई कचरा, कोई शापर, कोई रोड़ी वगैरह नहीं जाती, क्योंकि इसके छोटे छोटे मसाम हैं, छोटे छोटे बड़े खूबसूरत सुराख इन्होंने किए हैं और ये पायदार हैं, क्योंकि इसका मेन मकसद जो है वो खूबसूरती नहीं है, सेफ्टी है, ताकि अम्पेलर के अंदर जो है वो आपका कचरा वगैरह ना जाए और कचरा वगैरह जाने से जो है पंप जाम हो सकता है, पंप सड़ सकता है, जल सकता है और ये उसकी सेफ्टी के लिए जाली लगाई जाती है।
आगे आप देख सकते हैं इसके आगे ये न्यूजल लगी हुई है। न्यूजल का भी कमाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप रबड़ का पैप चढ़ाना चाहेंगे तो इसके ऊपर डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसके ऊपर चूड़ी भी है, नहीं है तो आप न्यूजल खोल के अगर परमानेंट फिटिंग करते हैं, जैसा कि प्लम्बर ने वाटर टैंक अंडरग्राउंड के अंदर जो है एक पॉइंट रखा होता है ऊपर का, वो इसके साथ ज्वाइंट कर देगा, फिर भी आपका ये पंप जो है उसके साथ फिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं टेम्परेरी, जैसे कि आप बारिश हो जाती है घरों के अंदर थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके लिए भी हमारा ये पंप बेहतरीन काम करता है। पहला नंबर तो हमने आपको बताया है कि ये वाटर टैंक टू वाटर टैंक के लिए जो है ये बेहतरीन काम करता है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं घर के अंदर वैसे पानी दाखिल हो गया है, वाटर लेवल जो है घर का लेवल जो है सड़क से आपका नीचे है, तो बारिश का पानी ज़्यादा होने से घर के अंदर अगर पानी दाखिल हो गया है, तो आप उसके लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। बेहतरीन क्वांटिटी बेहतरीन प्रेशर के साथ पंप है। उसके अलावा जो है आप कोई प्लाट के अंदर खाली में पानी आ गया, उसके लिए भी ये बेहतरीन काम करता है। फ्लोट स्विच का हमने आपको बता दिया है कि इसके बड़े फ़ायदे हैं। अगर तो आपका पंप जब आप चलाते हैं तो टैंक अगर भरा हुआ है तो ये मोटर ऊपर जाके इसको ऑन कर देगा, जो ही पानी वाटर लेवल डाउन होता रहेगा तो ये यहाँ तकरीबन आएगा तो ये बंद हो जाएगा, तकरीबन 5 से 6 इंच 7 इंच पानी आपका नीचे रह जाएगा, बाकी ये सारा पंप जो है पानी निकाल देगा। अगर आपको ख़तरा है कि यार आज बारिश का मौसम जो है वो ख़राब है, तो अभी हमने तो सो जाने, हमें अंदाज़ा नहीं है, महकमा मौसमियात ने कह दिया कि यार आज बारिश होगी, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो इस पंप को आप स्विच जो है इसका ऑन कर देंगे, स्विच ऑन कर दें, जब तक आपका टैंक नहीं भरा जाएगा पंप आपका बंद रहेगा। जो ही बारिश हो जाती है तो वाटर टैंक आपका भर जाता है, तो वाटर टैंक भरने से इसका लेवल जो है ऊपर जाता रहेगा, और ऊपर जाने की वजह से मोटर जहाँ जो इधर आएगा ये पंप जो है इसको स्विच ऑन कर देगा पंप को, और जितने जिस वक्त आपका पानी ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो सकता है। इसे आप लाइफ टाइम पूरे साल के लिए हमेशा के लिए भी ऑन रख सकते हैं, क्योंकि जब ये स्विच नीचे है तो पंप के अंदर करंट नहीं है, जो ही ये स्विच ऊपर जाएगा पानी भरने की सूरत में ऑटोमेटिक जो है ये पंप ऑन हो जाएगा। इसके साथ ही मेरे पास जो है, मैं आगे भी आपको मज़ीद वैरायटी भी दिखाऊंगा, ये हमारे पास जो है ये पंप मौजूद है, आप देख सकते हैं ये इसका जो हेड है वो उसका 16 मीटर था, तकरीबन 52-53 फुट तक वो पानी ले जा सकता है। इसके साथ हमारे पास ये पंप बड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त कंपनी का पंप है। इसे आप आबशार के लिए, ये तकरीबन 20 से 25 फुट के लिए मैक्सिमम इसका हेड है, वो 54 फिट तक के लिए था, ये मैक्सिमम 23-24 फुट या 25 फुट तक आप इसको प्रेशर ले जा सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत पंप है ये। आजकल 3-4 जगह पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि चिल्लर लगे हुए हैं, बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं, उसके लिए भी ये वाटर प्रूफ पंप इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी तरीका इसका वही है जो मैंने पहले बताया, ऑटोमेटिक है, अगर पानी नहीं होगा तो इसका स्विच जो है ये ऑफ हो जाएगा कर देगा, अगर होगा पानी तो ये पंप जो है ऑन रहेगा चलता रहेगा। उसके अलावा हमें आगे जो मसाइल पैदा होते हैं घरों के अंदर, जो हमने सेफ्टी टैंक बनाए होते हैं गंदे पानी के लिए, सीवेज का जो सीवरेज का पानी होता है, अंडरग्राउंड हमने वाटर टैंक बनाए होते हैं बेसमेंट के अंदर, होटलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, या बाकी काफ़ी जितनी कमर्शियल जगह है जहाँ बेसमेंट के अंदर जो है एक सीवेज टैंक होता है, गटर के पानी का जो इस्तेमाल होता है उसके लिए होता है, और किचन के भी मुख्तलिफ पंप होते हैं उसके लिए भी, तो उसके लिए आप ये पंप जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये चाइना का है। जो हमारे पास है असल बाज़ार के अंदर बेशुमार चीज़ें आपको मिलती हैं, मगर गोल्डन बोरिंग एंड पंप उस पर जो आपको चीज़ मिलती है, हमारी हर लम्हा ये कोशिश होती है कि हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड मोटर पंप्स बोरिंग के अंदर, हमें हर चीज़ का पता होता है कि कौन सी चीज़ के कितने फ़ायदे हैं किसके नुकसान आता है। तो हम जब चीज़ परचेज़ करते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो हमारी कोशिश होती है कि आला से आला क्वालिटी जो है ना वो कस्टमर को मिले, बज़ाहिर कोई 2-4 हज़ार 5 हज़ार अगर मार्केट से ज़्यादा भी होता है तो मगर उसका लाइफ के जो तल्लक है पंप का वो बहुत ज़्यादा होता है। आम पंप हमारे पास देखने में आते हैं कोई 6 महीने चलता है, कोई साल चलता है, कोई 3 महीने चलता है, कोई 1.5 साल चलता है, पंप फारग हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हमने आपको जो दिखाया है इसके अंदर जो मेरे पास अच्छा पंप है, इसके अंदर ये जाली लगी हुई है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये बड़ी है तो अंदर ही, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बाज़ाहिर जो है अच्छे तरीके से नज़र आ सके। अब ये सेफ्टी जाली है, इसका काम ये है कि इसके अंदर शापर रोड वगैरह या कोई ऐसी चीज़ पंप के अंदर जाएगी नहीं, जब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जाएगी नहीं तो पंप फंसेगा नहीं, पंप जाम नहीं होगा, और पंप जाम नहीं होगा तो पंप की लाइफ जो है वो बेहतर रहेगी। ऑटोमेटिक स्विच भी इसका, वाटर लेवल स्विच भी लगा हुआ है। इस स्विच का फ़ायदा ये है कि अगर टैंक आपका ऑटोमेटिक भर गया है तो आपको चलाने की या बंद करने की ज़रूरत नहीं, ये टोटल काम जो है एक आदमी का ये स्विच पूरा काम करता है। टैंक भरने की सूरत में ऑटो चल जाएगा, और जो ही टैंक आपका खाली होगा तो ये स्विच जो है, मैं इसका मज़ीद आपको ये शापर उतार के दिखा देते हैं कि इसके कलर मैंने पहले येलो दिखाया है, अब ये हमारे पास ग्रीन भी है, और इसके अलावा ये ब्लैक भी है। कलर से जो है वो कोई तलक नहीं होता, बेशक हमारा ये फ्लोट स्विच है इसी का काम है, जो टैंक भर जाता है आपका तो मोटर को ये चला देता है, जो ही वाटर लेवल डाउन आपका होता है पंप पानी निकाल देता है, टैंक खाली होने के बाद जो है ये मोटर को बंद कर देता है।
उसके अलावा इसको आप परमानेंट फिटिंग भी कर सकते हैं और आरएडी ये नोजल भी लगी हुई है इस भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक जो है गोल्डन का पंप है वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये 1.5 HP में है और इसका हेड मैक्स जो है 18 मीटर है और क्वांटिटी जो है इसकी वो भी काफ़ी है। पर गैलन जो है पर मिनट 101 गैलन पर मिनट ये पानी देता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे हाई प्रेशर जो है हाई क्वांटिटी पंप इससे बढ़ के कोई नहीं है जो 101 गैलन पर मिनट आपको दे सके। तो जहां अक्सर होता है कि जहां बिलफर्ज आपके कमर्शियल इस्तेमाल होता है वहां इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से होता क्या है कि मोटर गर्म हो जाती है, लो क्वालिटी की मोटरें काम नहीं करते। तो वहाँ हम जो है ये देख रहे हैं आप कितना मजबूत कुंडा है और ये ऑटो स्विच है और इसकी जो स्लाइड है हमारी ये सुराखें जो बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये कामयाब है। अगर हम इसकी न्यूजल पे भी नज़र मारते हैं तो हमारी जितनी न्यूजलें मैंने आपको दिखाई वो प्लास्टिक की हैं। ये कंपनी ने देगी मटेरियल के साथ जो है ये बड़ी कमाल की जो है ना ये न्यूजल है और ये हैवी ड्यूटी है। 20-25 साल के लिए न्यूजल ही नहीं ख़राब होती, ये देगी न्यूजल के साथ है। जहाँ इसकी बाकी क्वालिटी हमने न्यूजल देखा कि न्यूजल प्लास्टिक की भी हम चला सकते थे। कंपनी जो है वो तकरीबन 1000 रुपये तक इसमें बचत कर सकती थी मगर कंपनी ने बचत करना पसंद नहीं किया, अपने कस्टमर को म्यार देना पसंद किया है। तो इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें बड़ी है मैं, एक तो हमने ये बताया है कि इसका मटेरियल बहुत हैवी ड्यूटी है, ये 15 से 20 साल की लाइफ के लिए बेहतरीन पंप है। अच्छा उसके साथ हमने आपको बताया है कि इसका मटेरियल बड़ा अच्छा है, ये जल्दी गलता नहीं है क्योंकि आम पंप जो हैं वो पानी के अंदर गल जाते हैं और ये गलने से महफूज है। SS का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इसके जो नट बोल्ट इस्तेमाल किए हैं वो बड़े हैवी ड्यूटी हैं, निकल नट हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, आम लोहे के और जस्ती वगैरह होते हैं मगर इसके अंदर उन्होंने SS के नट इस्तेमाल किए हैं। ऑटो स्विच लगाया है कि वाटर लेवल जब अगर डाउन हो जाए तो पंप को ये बंद कर देगा, चलने नहीं देगा। उसके अलावा मोटर बड़ी सेफ्टी इन्होंने की है, अगर आपने बिल्कुल चला दिया है जैसे कि बारिश वगैरह हो जाती है, कनाल का प्लाट, 2 कनाल का 4 कनाल का प्लाट है तो उसके अंदर पानी जो 2-3 दिन फुट चल जाए तो यकीनन जो पंप को तो 15-16 घंटे या 20 घंटे चलना पड़ेगा। अब हमारे जितने लोकल आम पंप हैं वो काम नहीं करते, उसमें गोल्डन का पंप आप लगा सकते हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक ओवरलोड सिस्टम लगा हुआ है, जो ही मोटर का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा तो ये मोटर को ऑटो बंद कर देगा, ओवरलोड रिले जो है इसको ट्रिप कर देगी, 5 से 10 मिनट जो ही इसका टेम्परेचर डाउन होगा ये ठंडा हो जाएगा तो ऑटो उसको चला देगी। इससे सबसे बड़ी जो इसकी कामयाबी है पंप की, जैसे इटली जर्मनी बेशुमार बड़ी इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्री के अंदर मोटर है उनकी सेफ्टी लगी होती है, इसकी सेफ्टी लगी है, ऑटो है, ये गर्म होकर बंद हो जाएगा, ठंडा होकर चल जाएगा, एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा इसका ऑटो सिस्टम ये है कि पानी डाउन होने की सूरत में ये बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं, जो ही प्रेशर आपका पानी का क्वान्टिटी बढ़ेगी टैंक जो ही वाटर लेवल ऊपर जाएगा भरेगा तो ये चला देगा। तीसरे नंबर पे इसकी हम बात करते हैं कटर की, इसके अंदर जो कटर है मैंने इसको बजरिया है खुद चेक की है, आज इसको खोल के दिखाना मुमकिन नहीं है मगर हमने जब इसको चेक किया तो इसके अंदर इतना हैवी ड्यूटी कटर है अगर आप ईंट या कोई बजरी को रोड़ा भी इसके अंदर नीचे से डाल देते हैं तो इसको पाउडर बना के बाहर निकाल देगा मगर पंप जाम नहीं होगा, इतना कटर हैवी है ना कटर को कोई नुकसान होगा। आम हमारे जितने हैं उसमें प्रॉब्लम होती है कि जो कटर होते हैं वो लो क्वालिटी लगे होते हैं, बल्कि मैंने बात देखा है कि जो सेफ्टी लगी होती है कटर के लिहाज से एक फूल सा लगा होता है उसका नुकसान क्या होता है कि वो शापर या कपड़े वगैरह को जो है ना अपनी तरफ खींच लेता है और पंप को फंसा के जला देता है। हमने वो भी रिसर्च की है, वो भी किसी दिन आपको दिखाएंगे मगर इसके अंदर वो कटर बड़ा अच्छा लगा हुआ है कि हैवी ड्यूटी कटर है, इसके अंदर ईंट वगैरह अगर रोड वगैरह चला जाए तो उसको पाउडर बना के आटा बना के बाहर निकाल देगा न्यूजल के जरिए, कचरे के साथ फेंक देगा, हड्डी आ जाती है किचन के अंदर पानी में, उसके लिए बड़ा मौजूद पंप है। तो अगर कमर्शियल इस्तेमाल करना है आपने 10 घंटे 12 घंटे या 14 घंटे के लिए चलाना है तो ये हमारा पंप जो है बेहतरीन है। इसके साथ ही हमारे पास चाइना की एक बड़ी अच्छी कंपनी है, ये बड़ा कमर्शियल पंप है हमारा, ये 3 इंची डिलीवरी तक है हमारे यहाँ, 1 इंच से लेके 3 इंच तक जो है आपको सबमर्सिबल मिल सकता है। इसका फंक्शन भी उन्हीं पंपों की तरह है, इसके स्विच लगा हुआ है, ऑटो स्विच है कि जब वाटर लेवल टैंक आपका भरेगा तो मोटर चल जाएगी, जो ही टैंक खाली होगा वाटर लेवल तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके अलावा इसकी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी ने जो है ये न्यूजल भी लगाई है और इसके साथ चूड़ी के लिए अलग सिस्टम दी है। अगर आप चाहते हैं कि हमने परमानेंट फिटिंग करनी है तो वो चूड़ी सिस्टम है, न्यूजल उतार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने रबड़ का पैप जो है अर्जी इस्तेमाल करना है किसी गटर में या बारिश के पानी के लिए या कोई भी हौज आपने खाली करना है तो उसके लिए बेहतरीन ये काम करेगा। आप न्यूजल भी लगा सकते हैं परमानेंट फिटिंग के लिए, इसके साथ चूड़ी भी है, चूड़ी वाली साकट मौजूद है, आप इसको वो भी चला सकते हैं। तो ख़रीदारी के लिए हमारे नंबर जो हैं गोल्डन बोरिंग एंड पंप उसके नीचे मौजूद हैं, आप हमारा फेसबुक पेज भी गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस जो है वो विज़िट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट जो है हमने ख़रीदारी के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी
स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप स्क्रीन से नंबर ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए मेरी दोबारा फिर दरख्वास्त है कि ये पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए जो है एक नंबर चीज़ जो है ख़रीदने का, किसी भी कंपनी का पंप होगा, हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा पंप जो है आला क्वालिटी के पंप दिए जाएँ, ताकि कहीं से भी आप ख़रीदारी करें और ये चीज़ें जो मैंने बताई उनको देख कर जो है वो ख़रीदारी करें, ताकि आपको पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि चाइनाज की कंपनी है, कुछ लोग हमारे ही लोग जो है गलत चीज़ें, सस्ती चीज़ें बनवा के बाजार में सेल करते हैं, उससे हमारे कस्टमर का पैसे का नुकसान होता है। डीलर और कंपनी तो फ़ायदा उठा रही होती है, मगर मेरे मुल्क की आवाम जो है उसका नुकसान हो जाता है। तो हमने ये सिलसिला जो शुरू किया हुआ है, इसका मकसद सिर्फ फलाह है, ताकि लोगों को जो है वो आपको मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ें तारफ में मिलें, वीडियो हमारी देखा करें, शेयर किया करें। उसके अलावा जो है ख़रीदारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर मौजूद हैं। रेट की हमें नाजरीन जो है वो हमें काफ़ी शिकायत मिलती हैं कि जी रेट जो है हर पंप का रेट आप साथ बताया करें। वो असल आपको पता ही है कि डॉलर की इस वक्त जो सूरत हाल हमारी है कि मतलब डॉलर की कीमत बहुत ऊपर जा रही है, रुपया हमारा गिरता जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारा अक्सर सवाल होता है जी डॉलर का क्या तलक हमारी चीज़ों से। भाई ये जितनी चीज़ें ये बाहर से आती हैं इम्पोर्टेड हैं, पाकिस्तान के अंदर जितनी प्रोडक्ट बनती है हमारी कौम लेबर पर काम करती है, खाम मटेरियल जितना भी है वो सारा बाहर से आता है और वो डॉलर से ही आता है। डॉलर का हमारी प्रोडक्ट के अंदर, मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। तो इसलिए अभी हम रेट के लिए माजरत खा हैं, क्योंकि रेट जो है हम आपको नहीं दे सकते, हर 10वें दिन, 5वें दिन, 7वें दिन जो है रेट का इशू चल रहा होता है, कीमतें बढ़ रही होती हैं। तो इस वक्त हम रेट के लिए माजरत खाएं, आपको रेट हम नहीं दे सकते, लिहाजा आपके लिए करंट रेट जो है वो आपको जो हमारा नीचे स्क्रीन पर नंबर आपको पीटीसेल है और मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल करके जो जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो कॉल करके रेट हमारा आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।